सुस्वागतम, मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस को आप बहुत गंभीरता से लें। जैसे आप विद्यालय में पढ़ते थे आकर के, बस ये समझ लीजिए कि आपका विद्यालय आपके घर पहुंच गया है। उतनी ही गंभीरता से घर में रहकर भी पढ़ाई करें, ठीक है, जिससे आपका परिणाम जो है, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आए। ठीक है, आप घर में रहकर अपने आप को स्वतंत्र ना समझें। एक फिक्स शेड्यूल में आपकी जितनी पढ़ाई हो रही है, वो पढ़ाई बहुत गंभीरता से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज पे क्लास 8 हिंदी मीडियम, को व्याकरण से संबंधित रूप पढ़ाना चाहती हूं। बच्चों, आपके फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपको पता है। उसमें भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का रिवीजन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको ये असमंद शब्द का रूप पढ़ाने जा रही हूं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में फिफ्थ चैप्टर के बाद लिखना भी है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये शब्द रूप है और इसे अपनी नोटबुक में आप फिफ्थ चैप्टर के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको मैं बताऊं कि संस्कृत में रूप चलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन दो तरह के रूप होते हैं संस्कृत में। पहला होता है शब्द रूप, ठीक है, और दूसरा होता है धातु रूप। शब्द रूप जैसे बालक, लता, फल, तर, तर मीन्स वे, ये शब्द है। और इन शब्दों के रूप जब चलते हैं तो हम ये बोलते हैं ये शब्द रूप है। अब दूसरा है धातु रूप। धातु यानी क्रिया, जैसे पढ़, लिख, गम, धू, ठीक है, ये क्रियाएं हैं। पढ़ना, लिखना, जाना, होना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। इनको हम क्या कहते हैं, धातु। तो इस तरह से संस्कृत में शब्द रूप और धातु दो तरह के रूप होते हैं। तो बच्चों, आज शब्द रूप हम ले रहे हैं। शब्द रूप में असमद शब्द है, और असमद का मतलब होता है मैं या हम। और आपको बता दें, शब्द रूप में संज्ञा शब्द भी होते हैं, सर्वनाम शब्द भी होते हैं, और विशेषण शब्द आदि। तो जितने भी शब्द हैं वो शब्द रूप में आते हैं, और यहां पर असमद शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। क्लियर? तो असमद का रूप अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि कैसे इसका उच्चारण करना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इधर हम लेफ्ट साइड में विभक्ति लिखते हैं, और संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं ये आप समझ लें। 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 विभक्तियां हैं। इसके आगे संबोधन भी होता है, लेकिन संज्ञा शब्दों में संबोधन होता है, सर्वनाम शब्दों में नहीं, ठीक है। और वचन 3 होते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो रूप याद करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आपको ले चलती हूं। बच्चों क्या करते हैं, कुछ बच्चों का तरीका जो है ना रूप याद करने का, वो बहुत गलत होता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि अरे भाई, रूप याद करना तो बहुत कठिन है, मुझसे तो रूप याद होते ही नहीं। क्यों नहीं याद होते हैं भाई? जब कोई न्यू सॉन्ग आता है तो आप लोगों को कितनी जल्दी याद हो जाता है, आपकी जबान में तो वो तुरंत चढ़ जाता है। क्यों? पहली बात तो ये कि आप उसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और बस
सूरत ही आपको याद हो जाता है। तो इस ये जो रूप है इनको भी उसी तरह से लीजिए ना, फिर देखिए आपको कितनी जल्दी याद होता है। तो बहुत रुचिपूर्वक पढ़ें, और अगर आपको रूप याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप दो दो विभक्तियां याद करें, एक साथ पूरा रूप याद करेंगे तो नहीं याद होगा। जैसे आप दो विभक्तियां याद करें, प्रथमा और द्वितीया, अहम आवा वयम मा मामा मस्मान, ये दो याद किए आपने। जब ये दो विभक्तियां आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, आप कॉपी में लिख के भी देख लें, हलंत विसर्ग की कोई गलती तो नहीं की है आपने, तो जब ये बहुत अच्छी तरह से दोनों विभक्तियां याद हो जाए तो उसके बाद फिर तृतीया चतुर्थी याद करिए। मैं आवाभ्याम अस्माभि, मई हम आवाभ्याम अस्मभ्यम, जब इनको भी लिख के देख लें और सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मुझे ये भी विभक्ति अच्छी तरह से याद हो गई है, तो इन चारों को फिर से एक बार लिख के देख लीजिए। उसके बाद फिर दो विभक्ति याद कीजिए, फिर लास्ट वाली विभक्ति याद कीजिए। जब वो भी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए तो पूरा का पूरा रूप फिर से एक बार लिख देंगे। थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी शुरुआत में, लेकिन जब वही है ना, अभ्यास करते रहेंगे तो फिर आपको याद हो ही जाएगा। आपने ना कबीरदास की पंक्तियां सुनी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति बोध सुजान, है ना, जो मूर्ख व्यक्ति भी है वो अभ्यास करते करते बुद्धिमान बन जाता है। तो बस उस उन पंक्तियों को अपने दिमाग में रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, फिर देखिए कैसे नहीं याद होता है आपको। और अगला जो है बिंदु, मैं उस पर ये कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे इस तरह से याद करते हैं, जैसे पूरा एक वचन पहले याद कर लिया, फिर द्विवचन पूरा याद कर लिया, और फिर बहुवचन याद किया। ये तरीका गलत है बच्चों, और ऐसे वो लिखते भी हैं, पहले एक वचन लिख कर लिए, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन, ये तरीका सही नहीं है। आपको कैसे रूप याद करना है, पहले आप पूरी पूरी विभक्ति याद करेंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसे, और ऐसे लिखना ही है, ये तरीका सही है। ठीक है बच्चों, तो मैं इन शब्द रूपों का उच्चारण करके आपको सुना रही हूँ, बहुत ध्यान से सुने, और कहाँ आप गलती करते हैं ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति है बच्चों, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। बच्चों ये मह्यम है, आधा हा और या जुड़ा हुआ है, देखिए आधा हा या और मह्यम, इसी को जब हम संयुक्त कर देते हैं यानी जोड़ के लिखते हैं तो हा लिखा आपने और इसी में या जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मह्यम। तो इसको क्या हम उच्चारण करेंगे, मह्यम, समझ में आ रहा है आपको। तो मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मभ्यम, मम आवयोः अस्माकम्, मई आवयोः अस्मासु, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ करके याद करके उसके बाद लिख के जरूर देखें। लिख रहे मैंने अभी बताया आपको कि हलंत और विसर्ग की गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना रही हूं, ध्यान से सुने, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मभ्यम मम आवयोः अस्माकम् मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, बस इसी तरह से आपको भी याद करना है, याद करना है और लिख के देखना है। फिर से एक बार रिमाइंड करा रही हूं कि आपको इसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है फिफ्थ चैप्टर के बाद। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे लिखें और रफ कॉपी में लिख लिख करके इसका अभ्यास करते रहें। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से अध्ययन करेंगे और अच्छा परिणाम, अच्छा परीक्षा परिणाम, सुखद परीक्षा परिणाम लेकर के आएंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।